हाँ तो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, देयर वाज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज बिल हॉयर। उसका नाम क्या था? बिल हॉयर, ठीक है ना, बिल हॉयर, ठीक है। अब इस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया, ठीक है ना, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है इसने कंडक्ट किया, ठीक है। बिल हॉयर ने क्या किया? डीएनए 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 हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है उसने, ही कंडक्टेड डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, तो क्या देखा उसने? जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने व्हाट ही ऑब्जर्व्ड या व्हाट ही रिवील्ड दैट, उसने ये चीज देखा, ठीक है ना, उसने ये रिवील किया कि दैट जो डीएनए है किसका? चिंपैंजी का। अब उसने क्या क्या चीज देखा? देखो, जो डीएनए है किसका? चिंपैंजी का, चिंपैंजी का डीएनए और ह्यूमन की डीएनए, ठीक है ना। अब डीएनए डीएनए की डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है तो डीएनए को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो चिंपैंजी डीएनए और ह्यूमन डीएनए को उसने एनालाइज की, ठीक है ना, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि डीएनए ऑफ चिंपैंजी और डीएनए ऑफ मैन में जो डिफरेंसेस है ना, क्या डिफरेंसेस, ठीक है ना, वो कितना था? सिर्फ जो डिफरेंसेस था इन दोनों में, ह्यूमन डीएनए और चिंपैंजी के डीएनए में, ठीक है, जो डिफरेंसेस था दैट वॉज ओनली 2.5%, ठीक है ना। वॉट यू ऑब्जर्व? 2.5% जो है डिफरेंस उसने ऑब्जर्व किया बस, बाकी सारी चीजें जो है वो सिमिलर थी, ठीक है ना। जो डिफरेंस उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, दैट वॉज ओनली 2.5% जो है इनमें डिफरेंसेस था, चिंपैंजी के डीएनए में और ह्यूमन के डीएनए में, ठीक है। और साइमल्टेनियसली उसने ऑब्जर्व किया किसकी डीएनए को? उसने ऑब्जर्व किया डीएनए, ह्यूमन डीएनए एंड मॉन्की के डीएनए को, ठीक है। अब सेकंडली उसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व द डीएनए ऑफ जो मंकी है, ठीक है ना, मंकी के डीएनए को ऑब्जर्व किया और उसने ऑब्जर्व किया ह्यूमन डीएनए को, ठीक है। देखो, दो दो कंपैरिजन किया, ठीक है ना, ह्यूमन की डीएनए को, जब इन दोनों को उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस उसने देखा कितना? 2.5%। अब जब उसने ह्यूमन डीएनए और मंकी डीएनए में देखा तो जो डिफरेंस था ना, दैट वॉज डिफरेंट, डिफरेंस वॉज 10%, ठीक है ना, 10% डिफरेंस वॉज ऑब्जर्व, ठीक है। तो उसने क्या देखा? जो डिफरेंसेस था, ठीक है ना, किसके डीएनए में? मंकी के डीएनए और ह्यूमन डीएनए में जब डिफरेंसेस देखा तो दैट वॉज नियरली 10%, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या कंक्लूजन दिया? देखो, कंक्लूजन यही हुआ कि जो डीएनए था, ह्यूमन डीएनए और चिंपैंजी में बहुत कम डिफरेंस है, इसमें 10% है, इसमें 2.5% ही है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये हुआ कि मैन जो है, ह्यूमन जो है, दैट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स, ठीक है। फिर उसके बाद उसने रिवील करने के बाद कंक्लूजन दिया, ठीक है। कंक्लूजन में उसने कहा कि व्हाट ही गेव, कंक्लूजन में उसने कहा, देन ही, फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन भी देंगे, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में इसने कहा कि जो ह्यूमन है ना, दैट वॉज ह्यूमन जो है, दैट वॉज ह्यूमन जो है, दैट वॉज मोर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है ना, ठीक है, इट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजी, ठीक है ना, इट वॉज मोर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स, ठीक है ना, एप्स से ये क्या थे, इट वॉज मोर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स देन मंकीज, ठीक है ना, मंकीज से ज्यादा, ठीक है ना, हम बोलते हैं बंदर से इवॉल्व हो गए, ठीक है ना, तो मंकीज से ज्यादा, ठीक है ना, ये एप्स से क्या करती है, मंकी, ह्यूमन जो है वो दैट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स देन मंकीज, ठीक है ना, मंकीज से ज्यादा सिमिलरिटीज इनका ह्यूमन का किससे है, एप्स से, ठीक है ना, तो बंदर से नहीं भाई, एप्स से, ठीक है ना, इट मे बी इधर चिंपैंजी जहां से ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हो गया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म की तीन
हाइपोथेसिस है वही चीज देखेंगे, ठीक है। तो लास्टली अगर हम देखेंगे और एग्जांपल, दैट इज एक्रोडिएटस, ठीक है ना, एक बटरफ्लाई है एक्रोडिएटस, ठीक है ना, ये एक एक्रोडिएटस ब्लू बटरफ्लाई कहेंगे इसको, ठीक है। तो एक्रोडिएटस ब्लू बटरफ्लाई जो है इट इज ए बटरफ्लाई, ठीक है ना, और इसकी अगर हम क्रोमोसोम नंबर को देखे तो इट हैज इट शोज ए डाइवर्स क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। ये क्या करती है, इट शोज ए इट हैव ए डाइवर्स क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो बहुत डाइवर्स है, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और वो कहां से कहां तक वेरी करता है, वो क्रोमोसोम नंबर जो है फ्रॉम n इक्वलन टू 10, ठीक है ना, n इक्वलन टू 10 टू n इक्वलन टू 134 तक ये जो क्रोमोसोम वेरिएशन जो है वो शो करती है, ठीक है। कौन सा है ये, एक्रोडिएटस, एक्रोडिएटस ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है ना, एक्रोडिएटस ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एक्रोडिएटस ब्लू बटरफ्लाई जो है इट हैव अ हाई इट हैज ए हाई डाइवर्स क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना, क्या है, हाई डाइवर्स क्रोमोसोम नंबर जो है इनमें प्रेजेंट होता है, जो 10 से नियरली 134 तक होता है, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें, इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ स्पेसिएशन और हैव एंड हैव, और इसमें क्या है, हैव हाईएस्ट रेट ऑफ स्पेसिएशन, और हम इसमें क्या देख सकते हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ स्पेसिएशन जो है वो ऑल्सो आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, स्पेसिएशन इज आइडेंटिफाइड टिल डेट, यानी ये एग्रोडिएटस बटरफ्लाई में क्या है, इसमें ये शो करता है सबसे ज्यादा डाइवर्स क्रोमोसोम नंबर जो है वो शो करती है, ठीक है, जो किसी में 10 हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर किसी में 134 हो रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर जो है बहुत डाइवर्स है या वैरी करता है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, इट हैज ए हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीशिएशन जो है, ये इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीशिएशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये भी इट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है ना, जहां पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो बहुत वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल्स किसके, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, अब थोड़ा मैकेनिज्म को देखते हैं कि मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन जो है ना वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिज्म में हमें डिफरेंट जो है हाइपोथेसिस पढ़ने हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम इनके मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। मींस मैकेनिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हाइपोथेसिस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, और वही जो हाइपोथेसिस है इट फॉर्म्स द मैकेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है। तो हमें इसमें तीन हाइपोथेसिस जो है वो देखने को मिलता है मैकेनिज्म में, एक है सेलेक्शन हाइपोथेसिस और दूसरा जो है न्यूट्रलिस हाइपोथेसिस, ठीक है ना, न्यूट्रलिस हाइपोथेसिस, और तीसरा जो है दैट इज म्यूटेशनिस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, म्यूटेशनिस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन हाइपोथेसिस है जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की मैकेनिज्म को डिफाइन करता है, ठीक है। तो सेलेक्शन हाइपोथेसिस क्या कहता है, या म्यूटेशनल या न्यूट्रलिस्ट जो है वो क्या कहता है, और म्यूटेशनिस्ट, ठीक है। सेलेक्शन हाइपोथेसिस जो है यही कहता है कि इसमें जो सेलेक्शन है ना वही है, सेलेक्शन जो है ना किसका, सेलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स, ये कहता है कि सेलेक्शन जो है ना वही मेन फोर्स है, मेन फैक्टर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। न्यूट्रलिस्ट जो है वो क्या कहती है, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना, जो डिफरेंट
जो जेनेटिक प्रोसेस है लाइक म्यूटेशन या बाकी, अगर हम बात करें जो सेलेक्शन प्रोसेस है या रैंडम जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है ना, सेलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना, ये जो मैकेनिज्म है ना, दिस आर द मैकेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ये कहता है न्यूट्रलिस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। और म्यूटेशनिस्ट हाइपोथेसिस जो है वो सिंपली यही कहता है कि जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, क्या होती है इनमें, जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है म्यूटेशंस में, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन म्यूटेशन, ठीक है ना, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन म्यूटेशन पैटर्न्स, ठीक है, दैट इज द रीजन फॉर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद ये जो मैकेनिज्म है, ये जो चैप्टर है, दैट इज ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है सेलेक्शन थ्योरी, ठीक है ना, फर्स्ट इज द सेलेक्शन हाइपोथेसिस, नॉट थ्योरी, सेलेक्शन हाइपोथेसिस, व्हाट सेलेक्शन हाइपोथेसिस सीज, ठीक है। तो सेलेक्शन हाइपोथेसिस जो है इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, ठीक है ना, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है जो सेलेक्शन है, क्या सेलेक्शन जो है ना इज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है ना, इट इज द ड्राइविंग फोर्स किसके लिए, फॉर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है ना, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, ठीक है। सिंपली आपको यही चीज याद रखना है, सेलेक्शन हाइपोथेसिस क्या कहता है, जो सेलेक्शन है, सेलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो सेलेक्शन में भी नेचुरल जो सेलेक्शन होती है, ठीक है, तो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है। तो सेलेक्शन जो है वो कैसे होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, ये है एक, ये है, ठीक है, वन इज द ए, सेकंड इज द बी, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिज्म जो है दिस इज वेल अडाप्टेड, ठीक है ना, ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इट इज वेल अडाप्टेड, ठीक है ना, टू इट्स एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट को, और इट इज वीकली अडाप्टेड, ठीक है ना, ये कम है, ठीक है, अपने एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म वेल अडाप्टेड होगा इन कंपैरिजन टू लीज अडाप्टेड, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म जिसमें फिटनेस जो है ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है इट विल रिप्रोड्यूस एट अ हायर रेट, ठीक है ना, इसके जनरेशन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इसके सबसिक्वेंट जनरेशन जो है वो देखने को मिलेगा, सबसिक्वेंट जनरेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी इनकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा इनका, ठीक है ना, तो इस की जो पॉपुलेशन जो है वो हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, और इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली खत्म भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ना सेलेक्शन, तो जो ऑर्गेनिज्म जिसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम कहेंगे ये जो ऑर्गेनिज्म है ए वाला वो क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो सेलेक्शन कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन या आर्टिफिशियल सेलेक्शन या सेक्सुअल सेलेक्शन, ठीक है। तो जो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, अब ये जो सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गया, सिलेक्शन कैसे होगा, दो ऑर्गेनिज्म है ए और बी, अब ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आए हैं, जिस वजह से मान के चलो जिराफ, दो जिराफ है जिसका नेक जो है वो लॉन्ग है और इसका जो नेक है वो शॉर्ट है, ठीक है ना,
हमारे पास दो जिराफ है, इसका नेक जो है, इस जिराफ का नेक जो है वो बहुत लंबा है, ठीक है ना, और इसका बहुत शॉर्ट है, ठीक है ना, है कि नहीं। तो ये अपने फूड को एक्वायर करेगा फ्रॉम ब्रांचेस, ठीक है ना, बट ये जो है हायर ट्रीज से या हायर ब्रांचेस से अपने फूड को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना, ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो वेल अडाप्टेड है, किसके लिए, अपने एनवायरमेंट में, और ये जो है इट इज वीकली अडाप्टेड, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म जिसका, जिस जिराफ का नेक जो है लंबा था, ठीक है, तो जब ये वेल अडाप्टेड है तो हम इसके, तो हम इसकी जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो हम इसके सब्सिक्वेंट जनरेशन, ठीक है ना, जनरेशन और इसके जनरेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब इसकी रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब इसको हम विटनेस करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें एनवायरमेंट में यही जिराफ जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो जिराफ छोटा था और जिसका नेक बिल्कुल छोटा था और वीकली अडाप्टेड था, ठीक है ना, अब ये वीकली अडाप्टेड है तो इनके जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो भी कम होगा। अब ये वीकली अडाप्टेड लेस अडाप्टेड है या वीकली अडाप्टेड है तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म की क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। अब जब भी ये सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, जो ये सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, वो किस तरीके से होता है, जो ये सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला है इसका नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, यानी इनमें वेरिएशन है जिसकी बेसिस पे इनकी सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है, इनको आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, इनकी मैटिंग सेलेक्ट आर्टिफिशियली करवाया हो, ठीक है ना, इनकी या किसी लेबोरेटरी या कैप्टिविटी में करा के, ठीक है, या हो सकती है सेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है ना। और थर्ड सिलेक्शन जो है ऑर्गेनिज्म की जो होगी, दैट इज सेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है हमें क्या कहता है, देखो सेक्सुअल सिलेक्शन हाइपोथेसिस ये कहता है, इसी चीज को मैं लिख के देता हूं, ठीक है। तो ये चीज कहता है, व्हाट इट सेज, जो सिलेक्शन हाइपोथेसिस है ये कहता है कि सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर व्हाट, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो ये सिलेक्शन कैसे होता है, द सिलेक्शन जो है इट ऑकर्स, सिलेक्शन जो है इट ऑकर्स, सिलेक्शन अब कैसे होगा, ऑकर्स व्हेन द वेल अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो वेल अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वेल अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म है, ये जो वेल अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, एनवायरमेंट में, या वेल अडाप्टेड इंडिविजुअल जो है जिसमें विद ग्रेटर फिटनेस, जिसकी फिटनेस जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है ना, जिसकी फिटनेस ज्यादा होगी विद ग्रेटर फिटनेस, आर फेवर्ड इन सब्सिक्वेंट डायरेक्शन, ठीक है ना, इनको आर फेवर्ड इन, ये चीज हमें, ये ऑर्गेनिजम्स दे आर फेवर्ड इन सब्सिक्वेंट जेनरेशन, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट जेनरेशन में जियो ऑर्गेनिजम्स, सब्सिक्वेंट जेनरेशन, ठीक है ना, तो हमें वो ऑर्गेनिज्म जो अडाप्टेड है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन किसका होगा, ऑकर्स इन वेल अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म, जो वेल अडाप्टेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जिनमें फिटनेस ज्यादा हो और उनके हम सब्सिक्वेंट जेनरेशन जो है वो देख सकती है, ठीक है ना। तो डियर फॉर इंक्रीजिंग द इंस्टेंस ऑफ अंडरलाइन जेनेटिक वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन, जिस वजह से क्या होगा, जब इसका जनरेशन ही जनरेशन दिखेगा, तो हम ये कह सकते हैं डियर फॉर ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इंक्रीजिंग द इंस्टेंसेस, ठीक है ना, इनकी चांसेस को बढ़ाएगा, इंक्रीजिंग द इंस्टेंसेस, हाँ, जब ये वेल अडाप्टेड है तो इनकी नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग द इंस्टेंस ऑफ अंडरलाइंग, इंस्टेंस ऑफ अंडरलाइंग जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ पॉपुलेशन, जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यही चीज लिखा है जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, सिलेक्शन जो है वो होगा किसमें, वेल एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में जिसमें फिटनेस ज्यादा होगा, फिटनेस ज्यादा होगा और फेवर्ड इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, जिसके फिटनेस ज्यादा होगा उसके नंबर जो है, उसकी जनरेशन जो है ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। देयरफॉर इंक्रीजिंग द इंस्टेंसेस ऑफ अंडरलाइन जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेरिएशन जो है ज्यादा होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो है इनकी पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेक्सुअल सिलेक्शन, इसके बाद आप लिख देना कि जो सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, कैन बी प्रोडक्ट ऑफ, जो सिलेक्शन होगा ना वो कैसे होगा, सिलेक्शन जो है इट कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ, वो नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकती है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हो सकती है और सेक्सुअल सिलेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, सिलेक्शन जो है सिर्फ नेचुरल नहीं होगा, इसमें जो सिलेक्शन होगा ना इट कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ, अब इनमें जो सिलेक्शन होगा इट कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है वो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी, और क्या हो सकता है, सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद है न्यूट्रलिस्ट थ्योरी। ठीक है ना, सेकंड थ्योरी क्या है, न्यूट्रलिस्ट थ्योरी। ठीक है, न्यूट्रलिस्ट थ्योरी में जो न्यूट्रलिस्ट थ्योरी है, जो न्यूट्रलिस्ट थ्योरी है जिसको हम नेचुरल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, नेचुरल थ्योरी जो है इट वॉज गिवन बाय किमुरा, एम किमुरा, ठीक है ना, एम किमुरा, ठीक है ना। अब एम किमुरा क्या कहता है, ठीक है, उसने एक थ्योरी दिया था जिसको हम बोलते हैं नेचुरल, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ, नेचुरल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, देखो अब इस थ्योरी में उसने एक थ्योरी दिया था नेचुरल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, इसमें ये जो साइंटिस्ट है एम किमुरा, ठीक है ना, वो क्या कहती है, ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन प्योरिफाइंग सिलेक्शन, एंड वो इसमें किसमें इंपॉर्टेंस देता है, व्हाट ही सीज, ठीक है ना, इन नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है ना, उसने ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना, यानी म्यूटेशन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, और उसने एक और प्रोसेस दिया दैट वॉज प्यूरिफाइंग सिलेक्शन, वही जो पहले थ्योरी में भी कहा प्यूरिफाइंग सिलेक्शन, ठीक है, और उसके बाद एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस थे उसने कहा कि दैट इज ही एम्फसाइज, ठीक है ना, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन प्यूरिफाइंग सिलेक्शन, ठीक है, प्यूरिफाइंग सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस थे वो क्या थे, इन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में उसने इंपॉर्टेंस दिया किसको, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में उसने इंपॉर्टेंस दिया म्यूटेशन को, प्यूरिफाइंग सिलेक्शन को और जेनेटिक ड्रिफ्ट को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन जो है वो विटनेस होती है। ठीक है ना, तो म्यूटेशन हमें पता है दीज आर द म्यूटेशन जो है वो क्या है, दीज आर द रैंडम, व्हाट इज म्यूटेशन, देखो पहले थ्योरी में कहा था सिलेक्शन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें कहता है म्यूटेशन भी, म्यूटेशन की वजह से भी और प्यूरिफाइंग सिलेक्शन की वजह से भी और
जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाना, ठीक है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो प्रोसेसेस है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलराइजेशन। ये क्या होता है, दीज आर द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, ठीक है ना, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन होता है ना, जो देखो अब यहां पे एक चीज क्लियर करता हूं, म्यूटेशन देखो अब जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के लिए कौन से म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, इस चीज पे हमें फोकस करना है। तो मॉलिक्यूल जो म्यूटेशन होगा किसमें, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के लिए जो म्यूटेशन होगा, क्या होगा म्यूटेशन, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये म्यूटेशन जो है वो क्या है, जो म्यूटेशन है ना, ठीक है, इट इज द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस होना, ठीक है। तो अगर हम देखें जो म्यूटेशन है, यहां पे देखिए ये जो है ना, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, एक छोटे से फ्रेगमेंट पे भी म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है ना, एक लार्ज फ्रेगमेंट पे भी म्यूटेशन हो सकती है, यहां से यहां, ठीक है। देखिए यहां पे भी म्यूटेशन हुआ है, कहां से कहां, एक लार्ज फ्रेगमेंट में, है ना, और यहां पे भी म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, एक छोटे से सेगमेंट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो म्यूटेशन होता है इनमें, किनमें, जो जीनोम में या डीएनए में, ठीक है ना, तो वो लार्जर सेगमेंट में भी हो सकता है म्यूटेशन, जो है लार्जर सेगमेंट ऑफ, नहीं, स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए में हो सकता है या लार्जर सेगमेंट में भी हो सकता है, ठीक है, या लार्जर सेगमेंट में भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, जो अभी डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, ये आपका डीएनए है, ठीक है ना, ये आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में एक छोटे से फ्रेगमेंट में यहां पे म्यूटेशन हुआ, और यहां से एक बड़े फ्रेगमेंट में भी म्यूटेशन हुआ, हुआ कि नहीं। तो यही बताया, म्यूटेशन जो है वो स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए में हो सकता है, जैसे यहां पे हुआ है, ठीक है, या एक लार्जर सेगमेंट ऑफ डीएनए में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो म्यूटेशन है, ठीक है ना, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट में भी हुआ और लार्जर फ्रेगमेंट में भी हुआ, ठीक है, तो जो न्यूट्रलिस्ट जो ये थ्योरी है या न्यूट्रलिस्ट हाइपोथेसिस है, ये कहता है कि जो म्यूटेशंस, ठीक है ना, जो लार्जर सेगमेंट में भी हो रहा है और स्मॉलर सेगमेंट में भी हो रहा है, ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है लार्जर सेगमेंट में और स्मॉलर सेगमेंट में, तो ठीक है ना, अब ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट में जो म्यूटेशन होता है ना, ये जो म्यूटेशंस होता है ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए एडवांटेजियस होता है, ठीक है ना, फायदामंद होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो लार्जर फ्रेगमेंट में, जो लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में जो म्यूटेशन हुआ, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो डिलीट्रस होता है, ठीक है ना, वो एडवांटेजियस नहीं होता, वो क्या होता है, डिलीट्रस होता है, ठीक है ना, वो नॉन एडवांटेजियस होता है, ठीक है ना, ठीक है। और वैसी जो म्यूटेशन हुआ है, ठीक है ना, दैट इज ऐसे जो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ है, दैट इज रिमूव्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, और उनका क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होता, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये आपको रखना है, न्यूट्रलिस्ट थ्योरी जो है वो कहता है कि वो क्या कहता है कि जो इवोल्यूशन होता है ना, वो म्यूटेशन की वजह से होता है, इवोल्यूशन जो है वो प्यूरिफाइंग सेलेक्शन की वजह से भी होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट की भी वजह से होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, ठीक है। और साथ साथ में ये कहता है कि जो म्यूटेशन होता है
वो एक स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में भी हो सकता है डीएनए के और लार्जर सेगमेंट में भी, ठीक है। लेकिन जो स्मॉलर सेगमेंट में होता है वो ऑर्गेनिज्म के लिए एडवांटेजेस होता है। हाउएवर जो लार्जर सेगमेंट में जो म्यूटेशन होगा इट वॉज फाउंड ऑलवेज डिलीट्रियस, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होता है फायदेमंद नहीं होता किसके लिए, जिस ऑर्गेनिज्म में ये इवोल्यूशन जो है ये चेंज जो है देखा गया है, ठीक है। तो थॉट हमारे पास है लास्ट इज द म्यूटेशनिस्ट थ्योरी, ठीक है, म्यूटेशनिस्ट थ्योरी जो है वो क्या कहती है, म्यूटेशन से है वर्ड म्यूटेशनिस्ट, MUTATIONIST। तो म्यूटेशनिस्ट हाइपोथेसिस या म्यूटेशनिस्ट थ्योरी बोलो या हाइपोथेसिस बोलो, ठीक है। चलिए तो म्यूटेशनिस्ट हाइपोथेसिस जो है वो हमें क्या कहती है, अब ये जो हाइपोथेसिस है ये दिया था किसने, एन स्यूकार, ठीक है ना, एन एस स्यूकार, ठीक है ना, स्यूका एन स्यूका, दिस वॉज द पर्सन हु गिव दिस म्यूटेशनिस्ट थ्योरी, ठीक है ना। अब इसमें ये किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, इसमें ये कहता है कि इट एम्फसाइज ऑन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना। अब ये थ्योरी में जो एन स्यूका है इट एम्फसाइज, ये इंपॉर्टेंस देता है किसको, इट एम्फसाइज जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, क्या होता है, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ना, ठीक है, इट एम्फसाइज रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन म्यूटेशन पैटर्न्स, ठीक है ना, इन म्यूटेशन पैटर्न्स, ठीक है। तो ये कहता है म्यूटेशन पैटर्न में ये किस चीज को इंपॉर्टेंस देती है, ये इंपॉर्टेंस देता है जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है इनमें, ठीक है ना, उसी की वजह से डिफरेंट म्यूटेशन पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। और उसने प्रपोज किए मॉडर्न म्यूटेशनिस्ट व्यू, ठीक है ना, तो स्यूका जो है ना व्हाट ही सेज, अब ये क्या कहता है, ठीक है, सेकंड चीज, अब ये कहता है म्यूटेशन पैटर्न के लिए रैंडम जेनेटिक ग्रुप जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ साथ में ये कहता है कि जो वेरिएशन होता है किसमें, साथ साथ ये कहता है कि जो वेरिएशन होता है कि नहीं, जो किसमें, जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, जो वेरिएशन होता है, ठीक है ना, वो वेरिएशन जो है हमारे पास किससे हो सकती है, या पॉजिटिव सेलेक्शन से, ठीक है ना, पॉजिटिव सेलेक्शन से भी होता है, ठीक है ना, वेरिएशन, या हो सकती है किससे, म्यूटेशन से, ठीक है ना, या हो सकती है म्यूटेशनल प्रेशर से, ठीक है, म्यूटेशनल प्रेशर से, ठीक है। तो एन स्यूका जो है वो कहता है कि वेरिएशन जो है किसमें, जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, वो किसकी वजह से है, दैट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव सिलेक्शन, वो कह रहा है कि एन स्यूका क्या कह रहा है, अब जो वेरिएशन है किसमें, जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल में, वो पॉजिटिव सिलेक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि वो म्यूटेशनल प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से नहीं है, पॉजिटिव सिलेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि जो म्यूटेशनल प्रेशर है ना उसी की वजह से जो वेरिएशन है वो हमें देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो एन स्यूका व्हाट ही प्रपोज्ड दैट वेरिएशन जो है किसमें, जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है ना, ठीक है, जो वेरिएशन होता है, ठीक है ना, या जीन कंटेंट में जो वेरिएशन होता है, ठीक है ना, वेरिएशन दैट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ, दैट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव सिलेक्शन, वो पॉजिटिव सिलेक्शन की वजह से नहीं है, फिर किसकी वजह से है, बट
consequences of a consequences of किसकी वजह से है consequences of mutational pressure किसकी वजह से mutational pressure की वजह से ये जो variation है वो हमें देखने को मिलता है ठीक है तो ये हो गया हमारा types of evolution almost complete ठीक है ना so next में हम start करेंगे जो extinction है उसके types कितने हैं ठीक है so ये लगभग एक सब टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ठीक है सो दिस इज सफिशिएंट सो थैंक यू वेरी मच